YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले में प्रसव के दौरान भारी लापरवाही बरते जाने का मामला उजागर हुआ है। निगम क्षेत्र के रेणमा निवासी ज्ञानरंजन गुप्ता की पत्नी खुशबू प्रसव के दौरान लापरवाही की शिकार हो गई। दरअसल दर्द महसूस होने के बाद गर्भवती खुशबू को रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे शहर की जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीराजहा के नर्सिंग होम में भर्ती लिया गया, जहाँ नर्सों ने ही गर्भवती महिला का प्रसव करा दिया। 8:29 पर प्रसव सामान्य तरीके से ही हुआ और खुशबू ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसूता को क्या पता कि वह अपने नवजात बच्चे और परिवार से जुदा होने वाली है। लेकिन परिजनों की माने तो उस समय तक डॉक्टर मीरा झा ने प्रसूता के पास जाकर हालचाल लेना भी मुनासिब नहीं समझा। प्रसव के बाद परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। समान प्रसव के बाद डॉक्टर मीरा झा के नर्सिंग होम में परिजनों को अगले 4 घंटे तक प्रसूता खुशबू से नहीं मिलने दिया गया। साथ ही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा परिजनों को गफलत में रखा गया। कहा गया कि प्रसूता के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खुशबू के परिजन इस समय तक सच्चाई से अनभिज्ञ थे। लेकिन एकाएक करीब दोपहर के 12 बजे प्रसूता को चढ़ाने हेतु परिजनों से खून की मांग की गई। परिजनों ने खून की कमी को भी दूर किया, लेकिन भारी रक्तस्राव को देखते हुए रांची स्थित एक अस्पताल में मामले को रेफर कर दिया गया, जहां भारी रक्तस्राव और बच्चेदानी फट जाने से आखिरकार खुशबू ने अंतिम सांसें ली। अब सारी वास्तविकता परिजनों के सामने थी। आक्रोशित परिजनों ने मामले पर शहर थाना में FIR दर्ज कराई है, जबकि सोमवार को ही पुलिस की देखरेख में सदर अस्पताल में मेडिकल टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। अब रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने बतलाया कि गर्भवती महिला का प्रसव सामान्य होगा या सिजेरियन, इसे डॉक्टर मीरा झा ने तय करना भी मुनासिब नहीं समझा। एक तरफ सरकार गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी करने को लेकर हर तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी सरकार और जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि घटना के बाद जिला प्रशासन क्या रुख अपनाती है। अब यह आने वाला कल ही बतलाएगा। मैं यहाँ से घर से 5 बजे निकली हूँ जी, मोटरसाइकिल से जी, ठीक है, और 8 बजे इनका डिलीवरी हुआ है। मेरा जो है डॉक्टर के लिए क्या वहाँ गए तो क्या बोला डॉक्टर वहाँ का? डॉक्टर तुरंत एडमिट किया जी, ठीक है, और पूरी तरह से मैंने 8 बजे स्वस्थ बच्चा एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने घर वाला सर को पता चला कि डॉक्टर 9 बजे आए थे। अच्छा, डॉक्टर 9 बजे आए थे और 9 बजे से पहले ही डिलीवरी हो गया पता चला। अच्छा, नर्स नहीं, 9 बजे पहले ही हुआ डिलीवरी। 8 बजे डिलीवरी 8 बजे हुआ नर्स के द्वारा। उसके बाद 9 बजे के बाद फिर हमको 12 बजे सीधे घर से फोन आया कि ब्लड का जरूरत है, 2 यूनिट ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक सदर अस्पताल ब्लड बैंक से ब्लड लिया गया। उसके बाद ब्लड लेके वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ कहा गया कि अभी ब्लड को फिर से वापस भी रखवा दीजिए वहीं पर। अच्छा, ब्लड हम दोबारा रखवा के आए, फिर वहाँ पहुँचे तब से कहा गया कि फिर लेकर आइए। फिर वहाँ से ब्लड लेकर आए, फिर वहाँ ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद फिर कहा गया मैंने 1:30 बजे के करीब कि रांची रेफर किया जा रहा है। रात में? दिन में 1:30 बजे। और वहाँ से फिर तुरंत मैंने बिना 1 मिनट का भी देरी बिना एम्बुलेंस पे मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया और उसके बाद मरीज को बैठा करके तुरंत वहाँ पर 6 बजे के लगभग, ठीक है, रांची पहुँच गया वहाँ अस्पताल में, हिल व्यूज हॉस्पिटल। फिर अस्पताल में पहुँचने के बाद वहाँ क्या हुआ? हॉस्पिटल वाले ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट तैयार करके दिया है, मतलब एक्सट्रीमली पुअर ब्लीडिंग, मैंने उसको रोक पाने में असक्षम थे पूरी तरह से। मैंने डॉक्टर तो दिन भर में डॉक्टर तो दर्शन ही नहीं हुआ, जब लास्ट में जब केस सीरियस हो गया तो इनका उसके बाद कि डिलीवरी हुआ था वो डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया था, नर्स के द्वारा। हाँ, और उसके बाद मतलब जैसे ही मैंने केस जो है जा रहा था वो नहीं आ रहे थे, केस जैसे ही मैंने हाथ से बाहर निकला पूरी तरह रूम में आवाज आई डॉक्टर का चालू हो गया। कोई मतलब हार्ट रेट ले रहा है, कोई मेरा टेम्परेचर नाप रहा है, कोई ब्लड प्रेशर नाप रहा है, मैंने पूरी तरह से इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो गया। आपका नाम? मेरा नाम सोनू है।